अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी से नवाजे, आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी, आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक स्किन से रिलेटेड वीडियो लेके। मैं एक स्किन पैक बनाने वाली हूँ जो बहुत ईजी और बहुत इफेक्टिव है। तो पहली बात तो ये कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है और ये और वो, तो हर एक को ज़रूरत होती है केयर की, मेंटेनेंस की। आप कोई पौधा लाते हैं घर में, आप उसको 7 दिन के लिए छोड़ दें, 4 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप देखेंगे वो खुद मुरझाना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप कोई फल लाते हैं, उसको ऐसे बाहर छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद वो भी ख़राब हो जाता है। तो हमें भी अपनी केयर की ज़रूरत है, चाहे वो बाल हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो स्किन हो। एक एज के बाद रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन फ्रेश नहीं रहती, जो कहते हैं ना यंग और यूथफुल स्किन नहीं रहती। तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहले तो मैं भी इससे पार्लर चली जाती थी और इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सिर्फ इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं, ज़िंदगी के और भी बहुत से सबक मुझे इस लॉकडाउन में मिले हैं। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे हम पॉलर्स में इतने महंगे महंगे फेशियल्स करते थे, 2-3 दिन का रिजल्ट होता था, उसके बाद फिर वही, और आप फौरन इतने महंगे फेशियल्स भी नहीं जाके बार बार करवा सकते। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं खुद ट्राई करती हूँ, मैं पूरी रिसर्च करती हूँ, ये देखें मैं पूरा लिखती हूँ उन चीज़ों के बारे में, उसके बाद मैं आप तक चीज़ लाती हूँ। देखिए सब मैं निकाल के लिख के रखती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे ही कोई चीज़ यूँ से बस कहीं से देखी और छाप दी और फौरन से कोई वाइट हैंड वाइट करके आप लोगों को दिखा दिया। तो मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं बाकायदा पूरे ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर हम महंगा महंगा मेकअप ख़रीद लेते हैं इतना सारा, और हम कहेंगे कि हम तो मेकअप करके खूबसूरत लग जाते हैं, कोई मसला नहीं है, मेकअप भी एक टाइम तक आपको अच्छा दिखाता है। अगर आपकी स्किन फ्रेश नहीं है, अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, या आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं या पिंपल्स हैं, या आपकी स्किन अब मतलब बहुत ख़राब हो चुकी है, तो अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा मेकअप भी उसको नहीं छुपा सकता। तो उसके लिए हमें अपनी केयर करना ज़रूरी है। एक एज के बाद, 35 के बाद आप अपनी केयर लाजमी करें, उससे पहले तो करें ही करें, लेकिन मतलब उसके बाद मैं भी 30s में एंटर हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना ये सब कुछ अब करने लगी। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन इसमें मुझे अपना आप को जानने का बहुत टाइम मिला, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं। तो आजकल एक बहुत फेमस फेस पैक है चल रहा है आजकल, कॉफ़ी का। तो आज मैं आपको कॉफ़ी का ही एक चीज़ सिखाने वाली हूं, बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और मैं आपको कुछ टाइम बाद आपको मैं वो भी सिखाऊंगी, क्या कहते हैं, स्क्रब बनाना। जैसे मैंने तो अभी ये सिंदर वाला ख़रीदा था और मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं भी यही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं ख़रीद सकते, या आपकी तरफ ऐसी करीब मार्केट नहीं है, या आपको नहीं जाना हो रहा, तो मैं आपको एक कॉफ़ी स्क्रब बनाना भी सिखाऊंगी और एक नाइट क्रीम बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस मुझे अच्छा रिस्पांस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मतलब जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मुझे मिले। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं पहले अपना हैंड दिखा देती हूँ, इस पर कोई मेकअप नहीं है, देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है, प्लेन है मेरा हैंड। अब मैं इसके आगे अपने आपके सामने स्क्रबिंग करूँगी। लाजमी नहीं है कि आप इसी से करें, आपके पास जो भी है आप अपने हाथों से कर लें, लाजमी नहीं है कि आप मशीन से ही करें। तकरीबन आप ये पैक आप कहें फेस पे, गर्दन पे, हाथ पे, पाँव पे। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ लेडीज अपना बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको दिया है, बहुत अच्छा तैयार होती हैं, लेकिन अपने पाँवों की केयर नहीं करती। तो अपनी पाँवों की ज़रूर केयर करा करें, अपने पाँवों का खास ख्याल रखा करें। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए जो पाँवों से ही देखते हैं लोगों को, तो प्लीज़ अपना ज़रूर ख्याल करें। महीने में आप 3 दफ़ा कर लें, चलें ये पैक आप 3 दफ़ा लगा लें, महीने में आप 30-30 मिनट तो 3 दफ़ा अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ शुरू से ही अपना ख्याल रखें। और ये जो मैं पैक बनाना सिखाऊंगी, ये जो है ये टीनेज गर्ल्स भी आराम से यूज़ कर सकती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किन के लिए हार्मफुल हो। तो मैं सब आपको भी डिटेल में बताती हूँ, पहले मैं इसको अच्छे से स्क्रबिंग कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह 5 मिनट तक मैं आपके सामने का हैंड की करूँगी। वैसे मैं ये फेस पर अप्लाई करूँगी, फेस की स्क्रबिंग मैं कर चुकी हूँ,
लेकिन सिर्फ हैंड की मैं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं अपना फेस भी रिवील करूंगी बहुत जल्द, जब 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आप लोगों के सामने आके अपने फेस पे अप्लाई क्या करूंगी इंशाल्लाह। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ना, देखें एक ये नॉर्मल स्पीड का भी है, ये नॉर्मल स्पीड हो रही है ठीक है। अब इसमें फास्ट स्पीड का भी, इसमें दो ऑप्शंस हैं, तो ये आप लोग खरीद सकते हैं आराम से, हर जगह मिल जाता है अब तो, ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है, जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है इससे ठीक है। आप चाहें तो हैंड से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है ये ही ख़रीदना है आपको ठीक है। मैं हैंड को साफ कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही कहना है कि हमें अपनी केयर करनी चाहिए खुद से, कोई हमारे लिए नहीं करता। इतने महंगे महंगे आप ब्रांड्स के फेशियल्स करवाती हैं, गोल्ड ये वो, उसके बाद हर चीज़, मैंने आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाए थे जो मैंने मास्क सस्ते खरीदे और अच्छे थे, मैंने उसी दिन अप्लाई किया था उसका गोल्ड वाला दूसरा तस्मारा। जिस दिन मैं लगाऊंगी यूज़ करूँगी उस दिन मैं आपके सामने ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। तो जी ये मेरा हैंड बिल्कुल साफ हो गया है ठीक है। अब इसमें जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर, देख सकते हैं आप साफ है क्लीन है ठीक है। अब उसमें मैं जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं उसके आपके बारे में बताती जाऊँगी। तो पहले मैंने लिया कॉफ़ी, कॉफ़ी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया। आप कोई सी भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं जो पाउडर आपके पास अवेलेबल है। कॉफ़ी जो है बेस्ट है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, डार्क सर्कल्स को रिमूव करती है। कॉफ़ी जो है हमारे फेस पे एंटी एजिंग का काम करती है। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो कामिंग इफ़ेक्ट्स देती है हमारे फेस को, और विटामिन B3 पाया जाता है जो स्किन डिजीज़ से हमें बचाते हैं लाइक कैंसर वगैरह। और कॉफ़ी फेशियल जो लोग लेते हैं, कॉफ़ी पैक जो लगाते हैं, कॉफ़ी स्क्रब जो लोग यूज़ करते हैं, वो काम करता है ब्राइटनिंग के लिए, जो हमारे हमारे स्किन टोन को साफ करता है ठीक है। अब मैं आपको योगर्ट, योगर्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लगाइए, ये मेरे फेस और नेक के लिए इनफ होगा। तो आप बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी और कम भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे हाथ के जीप जीप से मेहंदी देख रहे होंगे, ये बस फारिक बैठे हैं होते, बच्चे वगैरह तो बस यही चल रहा होता है, कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है उनको। तो योगर्ट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचुरल होता है, रिड्यूस करता है फाइन लाइंस को, जो हमारी फाइन लाइंस बहुत जल्दी पड़ती हैं 35 के बाद पड़ना शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों के टेंशन वगैरह से और पहले पड़ना शुरू हो जाती है। रिंकल्स से ये फाइट करता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हेल्प्स करता है डिजॉल्व करने में डेड स्किन को, मॉइस्चराइज करता है, टाइटनिंग पोर्स में मदद करता है, पोर्स को टाइट करने में, टाइटनिंग पोर्स में नरिशेस ड्राई स्किन, बेस्ट है ये। अगर आप ये सब पैक नहीं बना सकते तो आप महीने में 1 से 2 दफ़ा ये आप सिर्फ योगर्ट लगा के देखें, आपको खुद फर्क नज़र आएगा। बेसन, बेसन मैंने आपको बताया मैंने 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून लिया है। बेसन में जो होता है वो जिंक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ये भी फाइट करता है स्किन प्रॉब्लम से लाइक एक्ने, एरप, और सॉफ्ट करता है स्किन को, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। देखें ये ड्राई स्किन वालों का भी है और ऑयली स्किन वालों के लिए भी, कम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी है। तो ये जो है ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, क्लिंजिंग करता है बहुत अच्छे से। आप लोग बेसन से कहते हैं ना, मुंह बड़े बूढ़े कहते थे हमारे ज़माने में, मेरी मदर बोलती थी कि बेसन से मुंह धोया करो, तो पिंपल्स से फाइट करता है, पिंपल्स नहीं होते इससे, और ये बहुत हेल्पिंग है रिमूव करने में टैन को, जिनके टैन स्किन हो जाती है उसको बहुत अच्छे क्लिंजिंग इसमें प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा मैं हनी लूँगी, हनी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि हनी मेरे लिए कितना मस्त है और कितना ज़रूरी है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ, ये भी मॉइस्चराइज करता है स्किन को, हाइड्रेट करता है, ड्राइस स्किन को, इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज आल्सो, जैसे मतलब डैमेज हो जाती है स्किन या एक्ने की वजह से पिंपल गड्ढे वगैरह जो पड़ जाते हैं, एंजाइम्स के लिए बहुत अच्छा है, ये एक्सफ्लोटर होता है। इसी तरह लेमन जूस मैं 1/2 टीस्पून लूँगी, लेमन जूस लाइटनिंग करता है स्किन को और फ्रेकल लेस होता है, और इसमें विटामिन सी होता है। लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगी, अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, बहुत से लोगों को लेमन सूट नहीं करता, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी लाजमी नहीं है ये आप डालें। अगर आपको इसकी जगह डालना है
तो आप क्या डाल सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज कर लें, लेकिन अगर नहीं भी डाले कुछ भी तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले मैं एक बाउल में ले लूंगी और बना लूंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सब इस तरह से बना के, ये आप महीने में आप 3 दफा यूज करके देखें। क्या करने, सिर्फ 5 मिनट, आप 5 से 6 मिनट या चलो 10 मिनट आप स्क्रबिंग कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बाहर रखा हुआ था ना तो एक वो हो जाता है, और एसी भी चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी नमी आ गई, पर नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 मिनट चले आप स्क्रबिंग कर लें, ऐसे 5 मिनट कर लें, 6 मिनट कर लें स्क्रबिंग। उसके बाद ये पैक बनाने में आपको कितने मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा लगाने में, आपको ये 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ना है, और फिर आप शावर ले लें, फेस वॉश कर लें नॉर्मल पानी से, गर्दन पे लगाएं अपने अच्छे से, हैंड्स पे लगाएं। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है आप अपने लिए, मतलब आधा घंटा भी नहीं लग रहा बामुश्किल, तो आप आधा घंटा भी नहीं लगा निकाल सकते अपने लिए। क्यों नहीं निकाल रहा ये बंद है, मेरे ख्याल से मैं इसको ओपन करती हूँ पहले। तो बस इतनी सी चीज होती है, इंसान को अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए, और मैं कुछ उल्टा सीधा ना करूं तो ये हो नहीं सकता। ये बंद है और मैं निकालने की कोशिश करे जा रही हूँ तो ये चीज होती है, इंसान को अपने लिए जरूर वक्त निकालना चाहिए, अपनी सेहत के लिए वॉक करनी चाहिए। मैं बहुत वॉक कर रही हूँ आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह वेट काफी रिड्यूस किया है मैंने, और आगे भी प्लानिंग ये कि खाना पीना हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह हैवी कर रहे होते हैं, तो फिर आपको भूख भी लग रही होती है। तो पोर्शंस मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन उस पर और ज़्यादा काम करना है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, जितना मेरा टारगेट है उतना बस मैं पहुँच जाऊँ। तो इसमें मैं हनी ले रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून कह सकते हैं, मैंने भर के नहीं लिया है। ठीक है, अच्छे से फिर इसको हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दूंगी। पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये बस रेडी हो गया, इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब मैं इसको थोड़े से हाथ पर लगाऊंगी और वो जगह आपको चेक भी करवाऊंगी, बाकी ये मैं अपने फेस पर लगाऊंगी, उसके लिए मैंने बनाया है इस तरीके से। देखिए मैं इस तरह लगा रही हूँ अपने हैंड पे। ठीक है, अच्छे से देखिए इसका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल है। तो ये यूथफुल स्किन के लिए, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी मतलब पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, आपकी स्किन के रिंकल फ्री हो रही है, टाइटनिंग पोर्स हो रहे हैं, ये हर चीज़ के लिए। तो आप लोग इसको 20 मिनट के लिए लगा छोड़ दें, उसके बाद मैं आपको, जब तक ये मैं अपने फेस पे लगाती हूँ और हैंड का रिजल्ट ऐसे ही रहने देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मैंने लगाया था। आई होप आप लोगों को फ़र्क नज़र आता हो, क्योंकि मैं ना कोई मैजिक करके नहीं दिखाती कि एकदम से मैं हाथ गोरा कर दूँ अपना कि ये देखें फ़र्क पड़ा है, नहीं, टाइम लगता है। आप इसको चाहें तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मुझ जैसे भी होते हैं, जो मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जब आप सही एज में आप कर लेना, लाइक अभी मैं मतलब ये नहीं बोलूँगी कि आपको 35 के बाद ही करना चाहिए, आपको सही एज आपको पता है, आप उस एज में पहुँचने से पहले ही शुरू कर देना तो बहुत अच्छा है। कुछ भी यूज़ कर लें मेकअप वगैरह, जब स्किन अच्छी नहीं होगी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको तह पर तह लगानी पड़ेंगी, लेकिन वो अच्छी नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्किन। तो लिहाजा अपनी स्किन को अच्छा करें, आप 2 प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे ना मेकअप के, आपकी वो चीज़ भी निखर के सामने आएगी। तो ये मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ, और मैं आपको फेस का भी बताती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आया। ठीक है जी, तो 20 मिनट का वेट करते हैं। तो देखिए ये ड्राई हो चुका है, बस हल्का सा सिर्फ यहाँ से ये बाकी है, मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था आप लोगों को बताने के लिए, फिर मुझे ख्याल आया कि दूसरे आदमी तो मेहंदी लगी हुई तो मैं कर नहीं सकती, फिर मैंने कहा खैर छोड़ो बता देती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा बस यहाँ से बाकी है, लेकिन मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि मेरा फेस का ड्राई है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैंने पैक बनाया था उससे मैंने अपने फीट पे लगाया है, अपने फेस और नेक को अच्छे से कवर किया है, और अपने फेस पे अंडर द आई, जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो अंडर द आई लगाए, कानों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, और इतना था कि मैंने अपनी बेटी को भी लगाया है। इसमें कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह नहीं है कि आप बच्चों को नहीं लगा सकते या ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नहीं, इसमें हर चीज़ वो है जो स्किन के लिए अच्छी है। आप, मैंने आपको 3 दफ़ा बोला है, आप महीने में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करके देखें, आपको खुद अपने रिंकल्स में फ़र्क दिखेगा,
आपको अपने मतलब पोर्स में फर्क दिखेगा, आपको क्रिस्टल क्लियर जो होती है ना ग्लास स्किन, वो रिजल्ट इससे मिलेगा। ये आजकल बहुत फेमस है, मैंने बहुत इजी वे में बताया है। और इसकी स्मेल इज टू गुड, मतलब मुझे थोड़ी सी डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ी सी वो हो रहती है स्मेल से, मैं दूध नहीं पी सकती, मैं मलाई नहीं खा सकती ना लगा सकती हूँ। और मेरी मदर बहुत कोशिश करती थी बचपन में मुझे मलाई लगाने की, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा कुछ होता है तो मैं लगा लेती थी आधे घंटे के लिए, लेकिन मुझे उसकी स्मेल से कुछ होता है, दही की स्मेल से होता है, मैं फेस पे बहुत मतलब इस तरह नहीं लगा सकती हूँ। अगर आप मुझसे पूछते कि मेरा जितने भी मैंने आपको बताया उसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट ये वाला है। वाकई इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और इसका रिजल्ट मैं क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा इसको अच्छे से। और इतना ये टाइटनिंग वो वाला नहीं होता जैसे आप करते हैं तो बहुत अजीब से उतरने में बहुत टाइम लगता है, बहुत आपको इरिटेशन होती है उतारने में, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप आप इधर की स्किन का कलर देखें ये वाला और इधर का देखें, आई होप आपको फर्क दिखे, क्योंकि वाकई में मुझे नजर आ रहा है। मैं कोई वाइटनिंग करके पहले से धो के आपको नहीं दिखाती हूँ, मैं आपके सामने साफ कर रही हूँ। आपको इसे ठंडे पानी से धोना है लेकिन, और आप कोशिश करें इसको, इसमें आपको कोई ड्राइनेस नहीं होगी इस वाले के बाद। अमूमन जो हम एग वाइट वगैरह दूसरे यूज करते हैं या बेसन नॉर्मली लगाएं तो थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन इसमें स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं हो रही, ये देखें। आई होप आप देख सकते हैं इस जगह का और इस जगह का फर्क। मैं थोड़ा सा टिश्यू से ये जगह साफ करके दिखाती हूँ। आई कैन फील इट सामने क्लियरली इधर से और इधर का, सी आप कोशिश करें आपको खुद फर्क दिखेगा, खुद अच्छा फील होगा आपको, पहली दफा में मैं गारंटी बोलती हूँ फर्क नजर आएगा। लेकिन ये सब चीजें लगानी है, प्रॉपर यूज करना है, और आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग नो इशू, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे स्किन खराब हो। हाँ आप छोटे बच्चों को महीने में एक दफा लगा दे, लाइक 8 साल से थोड़े बच्चे हों उनको, उनसे छोटों का नहीं, 8 साल आप कह सकते हैं, 8 से 10 महीने 2 महीने में एक दफा लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे टीन एज हैं 12 साल से बड़े बच्चे हैं, ये पैक हस्बैंड्स भी यूज कर सकते हैं, लड़के भी यूज कर सकते हैं, भाई बहन हर कोई यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, और ये वाकई बहुत अच्छा है सीरियसली। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को भेजें, क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाए और किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको एक किसी वीडियो में स्क्रब बनाना सिखाऊंगी, कॉफ़ी स्क्रब, एलोवेरा जेल, नाइट क्रीम बनाना सिखाऊंगी, और एक मैं आपको फेस कह सकते फेस मास्क दिखाऊंगी जो मैंने बहुत कहते ना कभी कभी मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ क्वालिटी पे जाया करें, पैसों पे मत जाया करें, बहुत सस्ता ब्रांड है उसकी, एक बहुत अच्छा मुझे ऑरेंज मास्क मिला था, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि उससे वाकई में स्किन साफ होती है। कुछ ना कुछ करते रहें, सब कुछ नहीं कर सकते ना करें, कोई एक चीज़ करें ज़रूर, लेकिन अपनी स्किन का अपने चेहरे का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, एंड आई लव माई स्किन राइट नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इस पैक को ज़रूर इस्तेमाल करें, ग्लास स्किन के लिए है ये, यूथ स्किन के लिए है, स्किन को बहुत अच्छे से ये आपको ग्रूम करेगी, आपकी स्किन को फ़ायदा देगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होती, मेरी आवाज़ स्लो पे स्लो होती जा रही है क्योंकि मेरा मास्क थोड़ा टाइट होता जा रहा है, और जब मास्क टाइट हो जाता है तो फिर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से आज मेरे माशाल्लाह से 300 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे भी तरक्की करूँगी और आगे भी मेरी मेहनत वसूल होगी, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बेशक आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे 1000 उससे ऊपर भी होंगे। तो बस दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।